हाय फ्रेंड्स, आई एम मुजम्मिल यहिया ऑफ स्टैंडर्ड 8th एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइडिया। वेल, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वेल, इससे पहले भी मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो बनाई थी जो कि मैंने कल ही डाली थी, और आज हम लोग इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा इस पर कमांड बना रहे। वेल, अभी तक आप लोगों ने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। वेल, पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, देन कम ऑन दिस वीडियो। तो इस वाली वीडियो में वो शुरू करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना, साइन थीटा पे पावर 4 माइनस कॉस थीटा पे पावर 4 बराबर होना चाहिए 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन में हमें LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना पड़ता है, या फिर RHS को LHS के बराबर, जिसमें आपको कंफर्टेबल है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिए एंड देन रिज्यूम। तो अभी तक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया तो अच्छी बात है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो मुझे ये प्रूफ करने की ये वाली जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो आइडेंटिटी है इसके बराबर होना चाहिए। तो साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस, मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, है ना। ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों में पावर 4 है, तो मेरे लिए कैलकुलेशन मतलब कि उसमें कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं इसे किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। मतलब पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब कि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर साइन थीटा का पावर 4 ही हो जाएगा। अगर हमने इसे जानबूझकर तोड़ दिया 2 × 2 में, मतलब कि पावर में साइन स्क्वायर पे पावर 2 × पावर 2, ताकि हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके। इस तरह से हम लोग इसमें भी तोड़ देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसमें तोड़ देंगे, है ना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इस तरह से होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को देखते ही आप लोग को स्पार्क कर गया होगा कि इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मैंने आप लोग को पिछले वाली वीडियो में बनाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। मैंने ये आपको प्रूफ भी कराया था, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये तो पूरा हट जाएगा, है ना। तो बचा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसे पूरा कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना है, हमें साइन स्क्वायर थीटा को कहीं ना कहीं रिमूव करना है, इसको किसी ना किसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को इस फॉर्म में लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं किस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म ला सकता हूँ, मैंने आप लोगों को वाला फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसे प्रूफ कर दिया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा से, तो LHS बराबर हो गया RHS के, हेंस प्रूफ्ड। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रूफ डैट कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर होना चाहिए कॉसेक थीटा के। तो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन में बेसिकली LHS RHS के बराबर होना चाहिए, RHS LHS के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को विद इन अ मिनट करते हैं। वेल, इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वेल बहुत इजी, ये जबानी भी बन सकता है, मगर मैं आप लोग कैसे बता देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन में आप लोग चीज़ एनालाइज करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस 1 का है ना एक कॉट स्क्वायर थीटा, तो कहीं ना कहीं आप लोग कॉम्बिनेशन जोड़ सकते हैं इस तरह से कि मैंने आप लोगों को कल एक आइडेंटिटी प्रूफ कराई थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितने का होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इधर कॉट स्क्वायर थीटा का पक्का पूरा कॉसेक थीटा से रिलेशन बैठ रहा है। अब इसी के बलबूते हम लोग इसे कॉसेक थीटा से, है ना, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं
कॉसेक थीटा के फॉर्म में ला के, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग इस आइडेंटिटी की मदद से कितना रख सकते हैं, ये हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन रख सकते हैं, और नीचे ये वन प्लस कॉस थीटा है, कॉसेक थीटा है, तो इन दोनों का रिलेशन बैठ रहा है, तो किसी ना किसी तरह ये है ना सॉल्व करके हम लोग वो निकाल सकते हैं ना। तो ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बड़ा है, और यहाँ पे वन प्लस कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ले रहा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई वन प्लस कॉसेक थीटा। तो नीचे वाला हम लोग इजिली हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिया है, वन को हम लोग तो वन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने जानबूझ के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लिया है ताकि वन प्लस कॉसेक थीटा कट जाए। तो कॉसेक थीटा माइनस वन इंटू कॉसेक थीटा प्लस वन, कॉसेक थीटा माइनस वन इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस वन, और नीचे है वन प्लस कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा प्लस वन से नीचे वाला वन प्लस कॉसेक थीटा बढ़ जाएगा। इधर क्या बचा, इधर आप कैलकुलेशन आप लोग खुद ही से कर, वन प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन, ये वन से ये वन बढ़ जाएगा, बचा क्या हमारा कॉसेक थीटा। तो एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इसके बराबर होना चाहिए सेक थीटा इंटू टैन थीटा के। तो पहले ये क्वेश्चन को ना पहले खुद से ट्राई कीजिए, खुद से अटेंड कीजिए, खुद से प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, पहले खुद से अपना ब्रेन लगाइए ताकि आप लोग का ब्रेन भी शार्प हो, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं इधर एक चीज़ सोच सकता हूँ कि मैं सेक थीटा को अगर मैं इस दोनों ही क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई, मतलब कि इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेक थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉट थीटा प्लस टैन थीटा से, तो मुझे लग रहा है शायद उससे हमारा आंसर निकल, क्योंकि हमें चाहिए क्या सेक थीटा इंटू टैन थीटा। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सेक थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, टैन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा इधर आ रहा है, बाकी देखते हैं आगे, है ना। तो सेक थीटा इंटू तो इधर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो होगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर टैन थीटा से मल्टीप्लाई होगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो बेसिकली मैं ये चाहता था कि सेक थीटा इंटू टैन थीटा को ले आऊं, इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इधर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने तो आपको कहता होगा कॉट थीटा, और क्या है माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। तो इधर सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो हमें बेसिकली चाहिए सिर्फ ये, बाकी हम लोग देखते हैं, बाकी हमें ये जो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, बाकी ये जो तीनों जो है ना माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा, ये तीनों को हमें कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट कर देना है, ताकि हमें सेक थीटा इंटू टैन थीटा ही सिर्फ मिले, बाकी ये तीनों को हम लोग कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं हटा देना है, और हटाना कैसे है कैंसिल कैसे करना है वो तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये सब एक दूसरे से कट जाए, मतलब कि कैंसिल आउट हो जाए, और बाद में हमें सिर्फ क्या मिले सेक थीटा इंटू टैन थीटा, जो कि हमें चाहिए, जिसको हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है ना। तो हमें सिर्फ यही चाहिए, बाकी हम चाहते हैं ये सारा कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए हम इसे साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर्म बदल रहे हैं। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, पहले इसको ऐसे रहने देते सेक थीटा इंटू टैन थीटा को ऐसे रहने देते माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा को हमें डिस्चेंज कर दिया है ना, बाकी और फर्दर हम लोग मूव करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई टैन थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इसको हमने लिख लिया वन बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका सीधा रहने दिया कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब फर्दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा मर जाएगा, ये वाली कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया। तो इधर क्या बचा, तो इधर हमारा बचा वन बाई साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा प्लस
sec थीटा इंटू टैन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे हमारा बचा माइनस साइन थीटा, नीचे हमारा क्या बचा माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए किस तरह से हमें ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा को कैंसिल करना है, तो हमें अब हमारे पास एक ही चारा बचा है, वन बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा करते हैं ना, इधर ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो वन बाय साइन थीटा बाय माइनस साइन थीटा कितना जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये जाएगा प्लस सेक थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और ये तो हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हमने निकाल लिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा, ताकि हम इस दोनों को कैंसिल आउट कर ले, अब बाकी हमारा ये बच जाए, तो हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे सेक थीटा इंटू टैन थीटा के, है ना, हमें प्रूफ करना था कि ये टैन सेक थीटा इंटू टैन थीटा के बराबर होना चाहिए, तो हम ये प्रूफ कर लेंगे, अगर इसको मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ दिया, तो ये क्या साइन थीटा, ये क्या प्लस सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये माइनस ये प्लस है, दोनों से दोनों कट जाएगा, हमारा आखिरी में बच क्या गया सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एल एच एस बराबर आर एच एस के, हमें ये प्रूफ करना था सेक थीटा इंटू टैन थीटा, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। तो चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होना चाहिए, ये जो पूरी आइडेंटिटी है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो वन के बराबर होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर होना चाहिए इसके। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को अभी साइड में रखते हैं, अभी काम नहीं नजर आया इसका। इधर हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इधर हम लोग भारी मात्रा में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो इधर क्या बचा वन माइनस टू, आई मीन सॉरी ये साइन में पावर फोर होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे है हमारा इधर भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर ये कॉस पे पावर फोर होगा, आई मीन सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, तो ये टू कॉस पे पावर फोर, तो इधर से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा कॉस, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो इधर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हमने कॉमन का काम तो कर ही लिया, तो एक स्क्वायर थीटा फिर से साइड में रखते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग किस चीज में आकर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक काम करते इसे कॉस स्क्वायर थीटा कन्वर्ट कर देते हैं, मगर टू साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं, मगर टू साइन स्क्वायर थीटा को हम ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर तो इधर तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो इधर हो जाए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, पहले इधर का कैलकुलेट कर लेते, तो ये बराबर है, हाँ तो सेक स्क्वायर थीटा तो इधर ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ इसको तो चेंज करना भूलिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस वन। तो इतना सब कुछ हम लोग चेंज कर चुके हैं, तो चलिए इधर आइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर से हमें ऐसा नहीं है, नीचे से कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तो इधर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को कुछ लिख सकते हैं, इधर तो कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रह देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी पढ़ाया था, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के। तो मान लीजिए वन को इधर लिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइंस वन हो जाएगा, और साइंस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू, तो जाएगा माइनस साइंस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता लगा लिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कितने के बराबर है, साइन माइनस साइंस स्क्वायर। मैंने इसे इस फॉर्म में इसलिए लाया क्योंकि ऊपर वाला भी किस फॉर्म में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइंस स्क्वायर थीटा में, ताकि ये दोनों कट जाए। अब ये दोनों कट गए तो बाकी बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कोई लेना देना तो है नहीं, तो हम इसे टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर 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 देते हैं, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितने में लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें इसे लाना वन के बराबर, तो मैंने आप लोग एक और आइडेंटिटी बताई थी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन के। तो हमने इस वाले आइडेंटिटी को इससे इसको प्रूफ कर दिया, है ना। तो एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के, हेंस प्रूफ्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि वन माइनस साइन थीटा बाई वन प्लस साइन थीटा बराबर होना चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर के। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो इन सब क्वेश्चन में बेसिकली होता है क्या है कि हमें पहले इसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फॉर्म में ले आना होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि आखिर मैं किस तरह से सेक थीटा या टेन थीटा के फॉर्म में, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ रहा है कि मैं अगर इसे कॉस थीटा से डिवाइड कर दे दूँ दोनों को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में इजली आ जाएगा, ये वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो कॉस थीटा से डिवाइड देने से सेक थीटा भी आ गया, टेन थीटा भी आ गया, तो वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा कितना, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और टेन थीटा। वैसे से नीचे भी हो जाएगा वन बाई सेक थीटा, वन बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा। तो मैंने इसके फॉर्म में तो लिया है। अब मैं क्या करूं कि सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाए, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं ऊपर सेक थीटा इंटू टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि मुझे ऊपर डिजायर रिजल्ट मिल जाए। बाकी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा नीचे भी करना पड़ेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने ऐसा इसलिए किया कि इससे हमें दो फायदे हो जाएंगे। एक फायदा तो ये होगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, जो ये क्वेश्चन पूछा वो तो मिल ही जाएगा, बाकी नीचे का जो होगा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है तो वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप सभी को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन के बराबर, ये मैंने आपको बताया था कल ही, है ना। वाली वीडियो जाके आप देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का एंट्रीज पे। तो ऊपर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो मिल गया। नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। तो वन को इजिली हम लोग हटा सकते हैं, तो नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया एल एच एस बराबर आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें वो प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसके बराबर तो होना चाहिए, और जब इसके बराबर हो जाए तो हमें इसको, तो हमें फिर से प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब तो ये वाली आइडेंटिटी इसके बराबर होनी चाहिए। और जब हम इसे प्रूफ कर लेंगे तो इसी आइडेंटिटी से हम लोग इसे भी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, बस आप लोग को अच्छे से आइडेंटिटी सबके जो फॉर्मूला थे वो सब याद होने चाहिए, वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में वैसे ही कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर हम लोग कॉसेक ऊपर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मतलब डिवाइड दे दें तो बन जाएगा, है ना, दोनों जगह कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से। तो इसके फॉर्म में इजिली ला सकते, फिर इसको आप इसके फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को डू इट योरसेल्फ DIY। तो आप दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोग खुद से करेंगे अभी। तो वो वाला क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा
इंटू सेक थीटा माइनस वन बाय वन प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन को देखकर डरने जाना है, सिर्फ ओपन माइंड से इसको करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, कॉट ये है सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन बाय वन प्लस सेक थीटा। ये हो जाएगा। तो अब हमारे तो ये कितने के बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो इतना लंबा इक्वेशन है, मतलब इतना लंबा जो आइडेंटिटी है, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारे पास एक चैनल आया है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ना मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। एलसीएम आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा, दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा वन प्लस सेक थीटा। मैंने ऐसा इसलिए किया, ये था वन प्लस सेक थीटा, इधर से अगर हमने इसे इसका एलसीएम ले लिया ये दोनों को, है ना, और इधर से हम इसे डिवाइड करें वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा कट जाएगा, वन प्लस सेक थीटा हो जाएगा, वन प्लस सेक थीटा अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे ला सकते हैं। एक बार उसके फॉर्म में लिया है तो ईजी हो जाएगा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो ये हो ही जाएगा, वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा कट जाएगा, वन प्लस सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इधर माइनस है, इधर तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, इधर रह जाएगा वन प्लस साइन थीटा उधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अब देखिए आप कैलकुलेशन आसान हो रहा है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कितना होता है टैन स्क्वायर थीटा। अब हमारे लिए आसान हो रहा है, माइनस माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना आ गया। अब इजली हम लोग इसे कैलकुलेट करके जीरो के बराबर ला सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस सेक थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वही वन, ये जाएगा माइनस वन। और नीचे जो हमारा वन प्लस साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा है, वो दोनों का वो दोनों वही रह जाएगा, वन प्लस वन ये हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इधर आ जाएगा जीरो। जब इसको हम लोग जीरो से डिवाइड देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो ही आएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इतना मतलब कितना है, इतना बराबर इतना के मतलब ये जीरो के इक्वल है, हेंस एलएचएस इज प्रूव, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। और मुझे कोई भी अगर अच्छा क्वेश्चन मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे तो मैं वो आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।